फिर से स्वागत है टच पॉवर व्लॉग में। सो आज का जो वीडियो है मैं इलेक्ट्रॉनिक इंपैक्ट ड्रिल पे बनाने वाला हूँ। तो अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मशीन कैसे दिखता है। तो फाइनली ये मशीन है। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे, इसका पावर वोल्टेज वगैरह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली गाइस, ये मशीन है डोंगचेंग का और प्रोफेशनल है, मतलब इसका आपको बहुत कुछ सामान भी मिल जाता है इस ब्रांड का। और ये मतलब ड्रिल है और ऑलराउंडर है, मतलब इसमें हैमर वगैरह सब दिया हुआ है, कुछ कमी नहीं छोड़ा है। और अभी हम इसको अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको इसका वोल्टेज वगैरह दिखा देता हूँ। और इसका मॉडल नंबर ये है DJDZJ03-13, ये इसका मॉडल नंबर है। और ये 13 mm का ड्रिल है। और देखते हैं अब इसका वोल्टेज वगैरह। तो इसका ट्रेड पावर इंपोर्ट है, इसका 500 वोल्टेज है इसका। और नो लेड स्पीड है इसका 1450 मिनट इतना इसका स्पीड है, RPM है। और रेटेड इंपैक्टेड ये फ्रीक्वेंसी इसका 18,850 इसका मिनट मतलब पावर है। और मैक्स ड्रिलिंग कैपेसिटी इसका 13 mm है, मतलब 13 mm का ड्रिल है इसका बिट लगता है। और इसका नेट वेट है कुछ 2.5 मतलब 250 किलो की ये मशीन है। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या ऐसा वेट है और इसकी पावर है। सो चलिए, तो सबसे पहले इसके साथ कंपनी देती है एक ये मेन्यू कार्ड और वारंटी कार्ड, और उसके साथ आपको मिलेगा ये कार्बन ब्रश और कुछ टूल्स जो इसके साथ है। तो इसके बारे में आपको बात मिलेगा, मेन कंटेंट पहले दिखा देता हूँ। तो और इसके बाद ये पर गेंद स्टिक देते हैं, मतलब ड्रिल में जितना होल करना है, इसके भी बारे में आपको बताता हूँ पहले मेन। तो ये फाइनली ये अपनी ड्रिल है, और तो भी दिखाता हूँ इसको। तो अभी हम इसको निकालते हैं बाहर, रैप निकाल के। और यहाँ पर इसका चाबी दिया हुआ है टूल्स के लिए, चक के लिए। और ये हैमर मोड है और ड्रिल मोड यहाँ पर दिया हुआ है, हैमर मोड ड्रिल मोड के लिए भी। और यहाँ पर ये मतलब दूसरा जो हैंडल है उसको क्लोज ओपन करने के लिए दिया हुआ है, जिससे आप ये हैंडल ओपन करते हो और घुमा भी सकते हो, ऐसे घुमा के भी होल्ड कर सकते हो, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर कंटिन्यू बटन दिया हुआ है, मतलब कंटिन्यू स्टार्ट के लिए बटन दिया हुआ है। और ये फाइनली स्विच दिया हुआ है, और यहाँ पर लेफ्ट राइट के लिए भी स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ। तो और यहाँ पर स्पीड कंट्रोल है, जो माइनस प्लस पे स्पीड कंट्रोल होता है उसके लिए ये दिया हुआ है। और जो कार्बन ब्रश है वो यहाँ पर लगता है, यहाँ से अंदर लगता है। तो और इसका वायर का क्वालिटी 2-core वायर है, बहुत ही सिल्की और स्ट्रॉन्ग वायर है। तो अभी हम इसको चला के देखते हैं कैसा है, क्या इसके पावर है। तो फाइनली इसका वायर भी इतना लंबा है, कम से कम 2 से 2.5 meters इसका वायर रहेगा। और इसको चला के देखते के साथ है, ये ना नॉर्मल है, सिंपल है। और अभी इसको हैमर में कन्वर्ट करते हैं, ये नॉर्मल ही है। और इसको अभी मैं हैमर में कन्वर्ट करता हूँ, ये हैमर में कन्वर्ट करता हूँ, इसका वॉइस हैमर का अलग आता है। और बस इसके इतना ही दिया हुआ है, यहाँ पर इंट्रो थोड़ा दिया हुआ है ब्रांड के नेम के साथ, और यहाँ पर चक भी ब्रांड नेम के साथ दिया हुआ है। और बस इतना ही। और अभी इसके साथ ये स्टिक जो मतलब इसमें लगता है, इधर लगता है गेज पट्टी, मतलब साइड से लग के और यहाँ पर ऐसे आता है, और लेफ्ट राइट भी चलता है। ये देखो, ये हो गया अपना राइट और ये हो गया लेफ्ट, लेफ्ट। और यहाँ पर स्पीड कंट्रोल के लिए भी दिया है, माइनस पे एकदम स्लो चलेगा और प्लस पे स्पीड चलेगा। तो वॉइस भी बहुत है, मतलब ताकत बहुत होती है।
बस और कंटिन्यू बटन दिया हुआ है, मतलब चालू रख के कंटिन्यू चला सकते बस, और तो कुछ नहीं दिया और ऑलराउंडर है, हैमर वगैरह वो तो है ही है। और अभी मैं इसके आपको मैन्यू कार्ड और वगैरह इसके बारे में बता देता हूँ। ये तो सबसे पहले यहाँ पर लगता है, मतलब जितना आप खोल कर उधर जाके अटक जाएगा वॉल पे, और इसे आप हर जगह खोल सकते हो, एल्यूमिनियम ड्रिल और एल्यूमिनियम दीवार पे कंक्रीट वगैरह सब पे कर सकते हो। और इसके साथ ये कुछ टूल्स दिए हुए आते हैं, एक कार्ड आते हैं और इसके साथ एक और देते हैं कार्बन ब्रश जो उसके अंदर लगता है, और एक और एक्स्ट्रा भी देते हैं कंपनी। और ये एक वारंटी कार्ड जो ब्रांड नेम के साथ इधर डॉन्चिंग लिखा हुआ रहता है उसके साथ वारंटी कार्ड। और ये कुछ मेन्यू कार्ड देते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं अंदर। ये जो कार्बन ब्रश था ऐसा लगता है लेफ्ट और राइट दो कार्बन ब्रश देता है, तो उसके अंदर दोनों साइड लगता है ऐसा दिखता है कुछ। और और ये अच्छा हैमर के लिए आपको मैं बताया वैसे ही, मतलब इसमें भी दिया हुआ रहता है कि कैसे हैमर मोड पे करना है, नॉर्मल मोड पे करता है, ट्रिम मोड पे करना है वो। और लेफ्ट एंड राइट इधर दिया हुआ है स्विच, लेफ्ट चलाओ राइट चलाओ, तो ये सब दिया रहता है। सो बस, सो लाइक माई वीडियो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और गाइज प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए टच पावर नाम से। सो के बाय।